वेलकम टू गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर ट्वेंटी वन एंड टॉपिक क्वेश्चन टेक्स ओके तो चलो देखते और इसका आगे का जो भी चैप्टर है इसके पहले का आपके बुक में से जो भी चैप्टर मैंने आपको भेजा था लेसन आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और लेसन भी आपने कर लिया होगा ठीक है तो आज मैं आपको क्वेश्चन टैक्स का मतलब इस चैप्टर का एक्सप्लेन करवा देती हूँ और लेसन भी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ठीक है तो चलो देखते स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट मतलब हाँ यानी पॉजिटिव या ना यानी नेगेटिव हो सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल टमोरो इज अ हॉलीडे आज मतलब कल हॉलीडे है ठीक है यानी पॉजिटिव ठीक है है, हाँ है तो इसलिए पॉजिटिव टमोरो इज नॉट अ हॉलीडे कल हॉलीडे नहीं है छुट्टी नहीं है तो इसमें क्या गया नेगेटिव नॉट यानी पॉजिटिव यस yes. और नेगेटिव नो no, नहीं ओके, ऐड अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैक्स मतलब कुछ कुछ समय क्या ऐड होता है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन एंडिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट हम ऐड करते इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन टैक्स क्वेश्चन टैक्स टैक्स ऑलवेज एंड क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन जो भी हम पूछते हैं बताते स्टेटमेंट देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी तो उसमें क्या होता है एंडिंग में हमें क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना होता है ओके एनी क्वेश्चन मार्क टुमारो इज़ अ हॉलीडे इज इंट इट इज नॉट इट ऐसे तो हम स्टेटमेंट बताए कि टुमारो कल हॉलीडे है हाँ या ना ठीक है तो इसमें देखो क्वेश्चन मार्क लगाया टुमारो इज नॉट अ हॉलीडे इज इट कल हॉलीडे नहीं है

नेगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हैज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर एग्जांपल मानस डज ही ही मानस पास में नहीं रहता है ये है ओके okay? तो इस तरह से मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है या पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है ठीक है तो चलो देखते एक्सरसाइज क्या है एक्सरसाइज एक ही है आपका इस चैप्टर में मैच है मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट क्वेश्चन टेक्स यहाँ पे आपको करेक्ट क्वेश्चन टेक्स के साथ आपको सेंटेंस को मैच करना है जैसे नंबर वन योर बर्थडे इज इन जुलाई तो आएगा ई इज इज नॉट इट आपका बर्थडे जुलाई में है ये नहीं है ये सही नहीं है मतलब टू यू विल नॉट बी लेट टू का आएगा एच पे विल यू थ्री द बॉयज आर टायर्ड ए आर नॉट दे फोर मिसेज बेग इज कश्मीरी ओके बेग इज कश्मीरी और इसमें आएगा फोर का कहाँ पे आएगा जी में इज नॉट सी फाइव आई शुड लिव नाउ तो आएगा आपका बी शुड नॉट आई

तुम नहीं हो ऐसे वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड मस्ट वी तनु वॉज लेट फॉर स्कूल नॉट सी ठीक है तो हो गया ये आपका देखो यहाँ पे दिया है रिमेम्बर याद रखना है ऑलवेज अ कॉमा बिफोर द टैग जो भी क्वेश्चन टैग आएगा उसके पहले क्या आएगा कमा आएगा ठीक है यहाँ पे आपका एक्सरसाइज इस चैप्टर में एक्सरसाइज मतलब एक ही है मैच है सिर्फ ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया है क्या है क्वेश्चन टैग बहुत इजी है और आपको क्या करना होगा आपके टेक्स्ट बुक में पहले मैच कर कर लेना है फिर आपको आपके नोटबुक में इसको करना है ठीक है इसके आगे का जो चैप्टर है ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी ओके थैंक यू